नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पाठ दो, वर्ण विचार। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर वन पढ़ा था, भाषा और व्याकरण। ठीक है, आज हम चैप्टर टू पढ़ेंगे, वर्ण विचार। वर्ण, ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं सबको पता है ना। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। हमने पिछली कक्षा में इसे पढ़ा था, ठीक है। तो वर्ण से ही क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। किससे, वर्ण से, ठीक है, वर्णमाला। अ से श, ठीक है, तक जो भी शब्द हैं ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, वर्णमाला के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे हिंदी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे हिंदी में 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और हिंदी की जो वर्णमाला है इसमें कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट्स में 26 होते हैं और हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, जिसमें से स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। स्वर तो 11 होते हैं, जिसमें अ से औ तक के जो शब्द हैं वो तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, और क से ह तक के जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और शब्द होते हैं, अंग, अह, ठीक है, और एक अंग होता है, अंग, अंग, ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अलावा क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, इन्हें मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा ड और ढ, ये भी वर्ण होते हैं लेकिन ये व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो बेटा आप अपनी बुक का पेज नंबर 9 ओपन करेंगे, ओके, इसमें स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से रीड करेंगे। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी दिए हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से रीड करेंगे। अब हम जानते हैं अंग के बारे में, ठीक है। अंग, अंग जो है इसे हम क्या कहेंगे, अनुस्वार, अनुस्वार कहेंगे। ये शब्द के ऊपर बिंदी लग के बनता है, यह बिंदी नासिक्य, नाक वाले व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होती है, ठीक है। नाक से जो हम उच्चारण देते हैं उस पे ये प्रयुक्त होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी अग, 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 आपको समझ में आया नहीं, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये अनुस्वार लगा लेती हूँ तो ये क्या बन गया, अंग, क्या बन गया, अंग। तो आपको समझ में आया कि मैम किसके बारे में कह रही, अंग, शरीर का कोई भी अंग उसके बारे में कह रही। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखूंगी प, त, ग, ठीक है, आपको समझ में आया पतक क्या है, नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बिंदी लगा देंगे तो ये क्या बन गया, पतंग, पतंग, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मैम काइट के बारे में कह रही है, पतंग के बारे में, ओके। नेक्स्ट है विसर्ग, अह, इसमें ह का उच्चारण होता है, ठीक है, अह को हम विसर्ग कहते हैं, यह शब्दों के अंत में आता है, ठीक है। कोई भी शब्द अगर हम लिखेंगे तो उसके बीच में नहीं आएगा, ये शब्द के एंड में आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रात, ठीक है, और मैं बोलूंगी प्रात, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है ना, आप समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर विसर्ग लगा दिया, ठीक है, और हम इसका उच्चारण ही चेंज हो गया, अब ये क्या बन गया, प्रातः, क्या बन गया, प्रातः। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रातः मतलब सुबह के बारे में बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे नम, तो कोई उच्चारण नहीं, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें विसर्ग लगा लेंगे तो ये क्या बन गया, नमः, क्या बन गया, नमः, ठीक है, नमन करना। इसी तरीके से नेक्स्ट अंग के बारे में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, ठीक है, ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा इसमें, इसको हम क्या कहते हैं,
अनुनासिक, क्या कहते हैं, ये विसर्ग कहलाता है और ये अनुनासिक कहलाएगा। इसमें स्वरों का उच्चारण मुख और नाक से किया जाता है, ठीक है, मुख और नाक दोनों से इसका उच्चारण होएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा चाद, चाद, ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अनुनासिक ये निशान लगा दिया तो ये क्या बन गया, चांद, ठीक है, मुख से भी और नाक से भी इसका उच्चारण हो रहा है, क्या बन गया ये, चांद, ठीक है, आया समझ में बेटा। इसी तरीके से हम अगर लिखते हैं कि ह स ना, और अगर हम इस पे अनुनासिक लगाते हैं तो ये क्या हो गया, हंसना, ठीक है, आगे सबको समझ में, मुख से भी और नाक से भी इसका उच्चारण हो रहा है। तो बेटा हिंदी की वर्णमाला में हम क ख ग आदि वर्ण लिखते हैं, इनका उच्चारण ध्यान पूर्वक से हमने सुनो। देखो जैसे कि हम बोलते क, क, इसके साथ क्या आ रहा है, अ भी आ रहा है, ख, बाद में क्या आ रहा है, अ भी आ रहा है, ठीक है ना, तो हम इसके टुकड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई शब्द लिखते हैं और हम उसके टुकड़े करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है पिता, ठीक है, अब मैंने इसको इसको अलग कर लिया है, प प्लस पी प्लस त प्लस आ बराबर क्या बन गया, पिता बन गया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, जब हमने इसके टुकड़े करे तो ये क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय, ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये भारतीय, ठीक है। अब देखेंगे इसको हम अलग करेंगे, भ प्लस आ जमा र हलन जमा अ जमा त हलन जमा ई जमा य हलन जमा अ, ये इसके भारतीय के हमने क्या कर दिए हैं, टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद, ये क्या हो गया, ठीक है, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद, क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद, जैसा कि हमने यहाँ पर इसे किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, क्ष त्र ज्ञ और श, जैसा कि आपने ये पहले क्लास में भी पढ़ा है, क्ष से क्षत्रिय, ठीक है, और त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रमा या श्रमिक, ठीक है। जब किसी स्वर हीन व्यंजन का मेल स्वर युक्त किसी अन्य व्यंजन से हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जो अक्ष है, ठीक है, ये जो अक्ष है ये किससे मिलकर बना है, क प्लस श बराबर क्या बना है, अक्ष। इसी तरीके से जो त्र है वो त प्लस र बराबर त्र बना है, और इसी तरीके से ज प्लस य बराबर ज्ञ बना है, और श प्लस र बराबर क्या बना है, श्रमिक वाला श्र बना है, ठीक है। इसके अलावा द्वावित व्यंजन भी है, ठीक है, जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे मिल जाते हैं और वे क्या कहलाते हैं, द्वावित व्यंजन। जैसे कि हम लिखेंगे प आदर त पूरा त पत्ता, ठीक है, इसमें एक जैसे दोनों मिल गए हैं तो ये क्या हो गए, द्वावित्व व्यंजन। किसके अंतर्गत आएंगे, ये द्वावित्व व्यंजन के
अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही कई शब्द हैं जैसे कि पक्का, चक्का, बल्ला, बच्चा, ये सारे शब्द। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पूरा चैप्टर मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को दोबारा से आप देखिएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर को, और इसकी जितनी भी डेफिनेशंस आपकी बुक में दी हुई है इन्हें आप रीड करिएगा और लर्न करिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।